आज ये सब तेरे यहां चले आने के कारण ही हुआ। मैं तुझे मार डालता तो ठीक होता, तू मुझे हर काम से रोकती है। गूंगा गूंगा छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। क्या खाने का चाबी किधर है? निकाल पिताजी, निकाल करती पिताजी। जी जरूर बाहर निकलेंगे और फिर मैं खंडर की तलाशी लूंगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे राय पूरे जाने दो। जल्दी से कूद कर पिताजी के पास जाने दो मुझे। आखिर तो बचा कर लाऊं, अब मैंने दू। आखिर तुम किसे ढूंढ रहे हो ये भी नहीं बताते। अपने पिता श्याम बाबू को। गोली मत चलाइए राय जी, शायद मुक्ता को लग जाए। आपके हाथ कांप रहे हैं डर और गुस्से से। अब आप मुझे गोली मारने का इरादा छोड़ दीजिए, आपका कैदी मेरे पास है। कहां है वो कैदी? बोल जल्दी बोल। अगर यही बात मैं आपको बता दूं,
तो आप मुझे फौरन गोली मार देंगे। मैं खंडर में खजाना ढूंढता था, अब मुझे सब कुछ मिल गया है, आपकी दौलत, ये हवेली और मुक्ता। बदमाश, गाली गुफ्तार, लड़ाई झगड़े का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपको मेरी स्कीम पसंद नहीं तो मैं अपने झोंपड़े में जाकर बैठ जाता हूं, फिर आपका कैदी श्यामलाल पुलिस के थाने में जाकर अड्डा जमा देगा, अपने नाम का वारंट रद्द करवाकर आपके नाम का निकलवा देगा। किस बात का वारंट? अपनी बीवी का खून करके एक निर्दोष आदमी को 12 बरस तक खाने में कैद रखने के जुर्म में। मगर मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मेरा बाप आपका मुंशी था, आपका नमक खाया है, नमक हराम बनने से दामाद बनना। मैं तेरी हड्डी हड्डी तोड़ डालूंगा। बता कैदी कहाँ है? दूर से बात कीजिए। वो कैदी जहां है वहां फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। जब तक आपका कैदी श्यामलाल मेरे पास है आप फांसी पर नहीं लटक सकते। और कैदी की ये अंगूठी, सच्चे नगीने की ये अंगूठी जो आपकी और श्यामलाल की जिंदगी भी है और मौत भी, अब मेरी मुट्ठी में है। बेटा तुम इसकी बात का इतबार मत करो। बेटा मेरी माँ का खून? नहीं बेटा, ये झूठ बोलता है। हीना का खून? उस बेचारे को मेरी नजरों के सामने मार डाला सिर्फ इसलिए कि उसने सच्चे नगीने की इसी अंगूठी की बात कहकर श्यामलाल को बेकसूर साबित कर दिया। तुमने उसे ट्रेन से ढकेल दिया, मेरा दिल इसी से नोच कर फेंक दिया। मेरी दर्द भरी चीख सुनकर यहाँ मेरी माँ का खून चिल्ला उठा। मेरा खून भी तेरा बाप है, मेरा बाप है, मेरा बाप है। मुक्ता, बाप है। मुक्ता, मुक्ता, माँ, माँ। निहाल, मैं तुझसे एक सौदा करना चाहता हूँ। उस कैदी को मार डाल, मैं तुझे अपनी आधी जायदाद दे दूंगा। अच्छा, मुझे मंजूर है। पिस्तौल आपके हाथ में है और कैदी मेरे पास है, चलिए आइए। राय जी किस सोच में पड़ गए हैं आप? आगे बढ़िए ना। ले चली माता जी के साथ, ये घर छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ की कोई चीज बाहर नहीं जा सकती। छोड़िए, चिल्लाओ जी भर कर चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा। राय जी के गुनाह जाहिर हो गए तो वो पुलिस के डर से भाग गए। वो अपनी आधी जायदाद मुझे और आधी तुम्हें देने का वायदा कर गए हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सारी जायदाद ले लो। कैदी श्याम बाबू को रिहा कर दो। श्यामलाल को तुम खुद ही रिहा करा सकती हो मेरी बीवी बनकर। मैं पुलिस के पास जा सकती हूँ। पुलिस? अगर पुलिस खंडर का कोना कोना उखाड़ कर फेंक दे
तो भी कैदी का पता नहीं मिलेगा। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल लहरे क्या जाने चल चल लहरे मैं हूँ आग छुपाए रोमू मैं सागर के किनारे सागर हंस ओढ़ लगाए रोमू मैं सागर के किनारे सागर हसी
तेरा सब कुछ लूट के छुप गए चांदनी रात की माया, मेरा सब कुछ लूट के छुप गए चांदनी रात की माया। अरमानों की चिता सजा के मानों की चिता सजा के मैंने आग लगाई, अब क्या आग बुझाए मेरी, अब क्या आग बुझाए, रो मैं सागर के किनारे। अंदर का नाम क्या? प्रेम। माय 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 माय। तुम रोते क्यों? लड़की नहीं मिलती। लड़की? लड़की 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 मेरा मतलब है मेरी लकड़ी गुम हो गई है। आओ हम ढूंढेंगे लड़की। ढूंढो ढूंढो अंधे प्रेम की लकड़ी लड़की है। इसको सांप काटा है, सांप काटा है। कहाँ काटा? यहाँ काटा। नहीं नहीं यहाँ काटा, यहाँ काटा। आह कंट्रोल कंट्रोल। क्या बोल रहा है अंधा? अंधा बोलता है सांप के जहर को कंट्रोल करो। कैसे? हाथ पैर दबाओ, फूलों की सेज बिछाओ, मिठाई केक खिलाओ, नाचो गाओ। यप्पी भगवान करे सबको इसी तरह सांप काट के। सांप काटे वो अंदर। ये लिंदी डालें। कब आए यार? इतने दिन कहाँ गायब थे? पिताजी को खंडर में ढूंढने की सब आशाएं गायब हो गई। अरे भाई आसपास के गांव वालों ने इस खतरनाक खंडर को खोद डाला और हल चला दिया। क्या कोई कैदी मिला था? नहीं कोई नहीं मिला। और राय जी चुपचाप देखते रहे? राय जी? राय जी और मुक्ता न जाने कहां गायब हो गए और हवेली निहाल के सुपुर्द कर गए। निहाल रहता यहां? अरे निहाल तो 3 दिन में भाग गया यहां से। हवेली के भूत ने उसे सोने नहीं दिया, वो फिर अपने केबिन में चला गया।
श्रीनाथ श्रीनाथ, अरे ठहरो यार श्रीनाथ। राय जी भी तो गए थे आपके पीछे पीछे। हमारे डब्बे में सिर्फ मैं था, मुक्ता थी और भगवान था। भगवान जिसे धक्का देते हैं उसकी अकल तो ठिकाने आ जाती है, लेकिन जिसे प्रेम धक्का देता है वो पागल हो जाता है। मुक्ता को सामने बिठाकर उससे पूछे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। अब यहाँ कोई नहीं रहता श्रीनाथ, यहाँ से चलो चलो जल्दी। मेरा इंसान यहाँ कोई नहीं रहता। चलो चलो निहाल से पूछ लेंगे। हवेली का भूत निहाल को केबिन में भी सोने नहीं देता, इसलिए वो रोज रात को पार्टी देता है। आओ, आओ।
गुड नाइट। तुम जिंदा हो? मुझे ट्रेन में से धक्का दिया गया था, ये तुम जानते हो। अगर तुम ये जानते हो तो तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि राय जी और मुक्ता कहाँ है। ये मैं नहीं जानता। मुक्ता के कहने से राय जी ने मुझे मैनेजर की नौकरी दे दी। फिर ना जाने दोनों कहाँ चले गए। हवेली में दिया कौन जलाता? दिया तुम्हें कैसे मालूम? जैसे और सब बातें भी मालूम हो जाएंगे। श्रीनाथ तुम बड़े बेवकूफ हो। मुक्ता तुमसे प्रेम नहीं करती, वो सिर्फ राय जी की रक्षा के लिए है। तुमसे ये जानना चाहती थी कि तुम किस मतलब के लिए यहाँ आए। इसके बाद क्या हुआ ये तुम खुद ही अच्छी तरह जानते। थैंक यू निहाल। प्लीज डोंट मेंशन। एक मिनट। तुम ये जानते हो निहाल कि आजकल दुनिया झूठ पर चल रही है, लेकिन जिस झूठ की गवाही देने से आत्मा इनकार कर दे, जिसको मानने से अक्ल और ईमान इनकार कर दे, उस झूठ पर चलना अपने आप को इंसान का बच्चा कहलाने से इनकार कर दे। किसी के मकान में घुसा है जुर्म है, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तुम्हारी। तुम पुलिस के चक्कर में पड़ो, इसमें शक है मुझे। हवेली का भूत भी तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ा है, उसकी रिपोर्ट की थी तुमने? Thank you.
समझ गया, हवेली का भूत बनकर कौन मेरा खाना पीना सोना हराम कर रहा था। कैदी के खुफिया कैदखाने का पता लगा लिया तुमने? कुछ दिन और तुम्हारी नजर नहीं आती तो जरूर पता लगा लेती। आज मैं अपने दिल की आवाज को रोक न सकी, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आती। अब श्रीनाथ के लिए रोना फजूल है। ये अंगूठी एक मल्ला दे गया है तुम्हारे लिए, श्रीनाथ ने उसे मरते वक्त दी थी। श्रीनाथ! मेरी बीवी बनकर तुम अभी कैदी को बचा सकती हो, या इस पिस्तौल की गोली तुम्हारे सीने के दर्द को हमेशा के लिए मिटा सकती है और तुम सीधी श्रीनाथ के पास पहुंच जाओगी। अगर श्रीनाथ जिंदा होते तो मैं कहती कि मुझे गोली मार दे, मगर मेरे सिवाय इस दुनिया में कैदी का हमदर्द अब कोई। श्रीनाथ, ओ श्रीनाथ! अरे वाह भाई वाह, तुम्हारे कहने से पुलिस खुफिया कैदखाने का पता लगाने की कोशिश कर रही है और तुम यही बैठे हो। काम हो रही है दीक्षित जी। हाँ। और अब मुकदिया जलाने आई। अरे वाह मिस्टर मजनू, लानत है अशेष पर और तुम पर भी। अभी मरते मरते बचे हो मगर सर से भूत इश्क का नहीं गया। श्रीनाथ वो डायन है, वो डायन है, तुम्हारी जान ले लेगी। नाराज हो गए? माफ करना दीक्षित जी, मैं सचमुच पागल हो गया हूं। मगर सच पूछो तो राय जी के गायब हो जाने के बाद अब सिर्फ मुक्ता ही वो रोशनी है जो मुझे पिताजी की तलाश में राह दिखा सके। हवेली का चिराग उसी रोशनी का चिराग है। हवेली का चिराग उसी रोशनी का चिराग है, पागल है। अपनी माता जी के सामने दीपक जलाने के लिए अब तुम्हें हवेली में नहीं जाना पड़ेगा। अपने बाप दादा की हवेली में अब तुम उस दिन चिराग जलाओगी जिस दिन तुम मेरी बनकर मेरे साथ जिंदगी के मजे लूटोगी। माता जी के सामने तुम इसको ऐसी बातें? बाप, माता जी कहोगी तो सच कहता हूँ, इस तस्वीर को वही दफन कर दूंगा जहाँ श्याम बाबू कैद है। कुछ दिन और सब्र करो निहार, पिताजी का पता लगा कन्यादान तो वही करेंगे ना। तुम्हें अपना दान अब खुद ही करना होगा। दान करने को अब कुछ नहीं रहा मेरे पास, दिल प्रेम मान मर्यादा सब जलकर खाक हो चुके हैं, रह गई है ये मिट्टी। ये मिट्टी अगर श्रीनाथ के पिता को आजाद कर सकती है तो ले जाओ, जो चाहो सो बना लो इस मिट्टी का। नो, तुम्हारे नाम से ये दीप जल रहा है, आसमान में श्रीनाथ के नाम से ये तारा चमक रहा है। तुम दोनों गवाह हो मेरे इस बलिदान के। मां
रात जो देखे उसका गम तो ओस के आंसू रोए, दुनिया अपने मीठे सपने गले लगा कर सोए, दुनिया अपने मीठे सपने गले लगा कर सोए, जगे वही बेचारा चले वही बेचारा एक सितारा एक सितारा एक सितारा है आकाश में एक सितारा एक सितारा। अब मैं तुझे गोली मार दूंगी। कैदी भूखा मर जाएगा, तलब तलब कर। अब मुझे डर नहीं, श्रीनाथ आ गया है। श्रीनाथ क्या आ गया, कैदी की मौत आ गई। अगर श्रीनाथ मुझसे अपने बाप का पता पूछने आएगा तो याद रखना कैदी परलोक में होगा और मैं श्रीनाथ को भी वही भेजूंगा, समझी? जाओ, अब जो तुम्हारे दिल में आए जाकर श्रीनाथ से कह दो। मैं यहीं पास खड़ा सब सुन रहा हूं। ट्रेन से थका देगा भी चैन नहीं है तुम्हें। अब सुंदर रहेगा तो गोली से उड़ा देना चाहती हूँ, अपने बाप को गुनाहों की सजा से बचाने के लिए। श्रीनाथ, मुझे अब अपना नाम भी सुनना नहीं चाहता, और जब तक तुम राय जी का पता नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। श्रीनाथ, मैं नहीं जानती वो कहाँ है, सच कहती हूँ श्रीनाथ, सच कहती हूँ। और वो कभी कहाँ है ये भी तुम नहीं जानती? ये तो तुम जानती होगी। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मिस्टर श्रीनाथ, बात दरअसल ये है कि जब तक कैदी ना मिले हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हवेली के चारों तरफ और निहाल के कैबिन के आसपास हमने कोना कोना छान मारा, कहीं भी किसी खुफिया कैदखाने का सुराग नहीं मिलता। हमें ऐसा मालूम होता है कि कैदी आपके दिमाग का एक गलत ख्याल था। मगर इंस्पेक्टर साहब, मुक्ता की गिरफ्तारी तो हो सकती है ना? मुक्ता को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो उससे और भी बातें मालूम हो सकती है। मिस्टर श्रीनाथ, दीक्षित जी कहते हैं कि मुक्ता ने आपको ट्रेन से धकेल दिया था, क्या ये सच है? नहीं। माँ, मैंने अपने सरदार को आग लगा दी। देख लिया ना तुमने, कैदी का पता कोई नहीं लगा सकता। अब सीधी तरह चली आओ मेरे पास हवेली में, रात के 12 बजे तक, वरना। पिताजी, बाप तो गायब हो गया, अब तेरी इस माँ की तस्वीर को भी वहीं दफन कर दूंगा जहाँ श्याम बाबू कैद हैं, सारा झड़ा ही खत्म हो जाएगा, समझी? कैदखाने का पता तुम ही लगा सकती हो माँ। समझे थे हम
बेवफा निकले हो तुम, कब बेवफा समझे थे हम, दिल बेकरार है मेरा, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है मेरा, दिल बेकरार है, उस बेकदर का तीर मेरे दिल के पार है, उस बेकदर का तीर मेरे दिल के पार है। समझे होवे थे हम किसे उल्फत की चांदरा, उल्फत की चांदरा, समझे हुए थे हम किसे उल्फत की चांदरा, उल्फत की चांदरा, हम तो जला रही है इस बेवफा की बात, हम तो जला रही है उस बेवफा की बात, बिगड़े हुए, बिगड़े हुए नसीब पे क्या इख्तियार है, दिल बेकरार है मेरा, दिल बेकरार है, उस बेकदर का तीर मेरे दिल के पार है। दुनिया के साथ साथ अब वो भी बदल गए, वो भी बदल गए, दुनिया के साथ साथ अब वो भी बदल गए, वो भी बदल गए, आँखों से आँसुओं के जनाजे निकल गए, आँखों से आँसुओं के जनाजे निकल गए, तकदीर की, तकदीर की नजर लगी हर फूल हार है, दिल बेकरार है मेरा, दिल बेकरार है, उस बेकदर का तीर मेरे दिल के पार है, दिल बेकरार है मेरा, दिल बेकरार है। इधर मोहब्बत खींच रही है, उधर कैदी की दर्द भरी आंख उतार रही है, इधर प्रेम हाथ छुड़ा लेगा, उधर दुनिया की नजरों से गिर जाऊंगी, फिर बचेगा क्या? धर्म, कैदी को बचाना मेरा धर्म है, मेरा धर्म है। मैं कहता हूं अंदर चलिए आओ।
मगर ये क्या उठा लाई हो? भले घर की लड़कियां अकेले नहीं आया करती, मैं माता जी को साथ लाई हूँ। अच्छा, अपनी माता जी की तस्वीर को वही कुर्सी पर बिठा दो और खुद यहाँ आकर बैठो मेरे पास। डरो नहीं, यहाँ आकर बैठो मेरे बगल में। माता जी साथ में है, अब डर नहीं लगता। नजदीक आओ, माता जी सामने बैठी हुई। तो फिर क्यों लाई माँ को अपने साथ? जिसे मेरी माँ की इज्जत नहीं उसे मैं अपना कैसे कह सकूं? देखो कहाँ बिठा दिया है माँ को, जमीन पर एक कोने में और यहाँ भी दीवार की तरफ। हाय, टूल पे नहीं। तस न कर दो ताकि कैदी की तरह ये भी तेरे हाथ में आ सके। नहीं निहाल, नहीं, मेरी मौत की एक ही तो निशानी है। तुम कितने अच्छे हो निहाल। अब हम माँ की तस्वीर की तरफ पीठ करके मोहब्बत भरी बातें करें। तुम अपने नाजुक हाथ मेरे सीने पर रख कर कह दो कि मैं तुम्हारी हूँ। अच्छा जी, फिर क्या करोगी तुम? प्यार लो, इसे पहन लो। ये सच्चे नगीने की अंगूठी, ये सवेले की मालकिन तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी। आज से तुम सवेले की मालकिन हो और मैं अपनी बीवी के खून की सजा खुद भुगतने के बदले श्याम बाबू को जैसी कैद भी आपने रखा था वैसी कैद मैंने आपको दी है। ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। मगर आप तो भी कहीं ज्यादा मेरी सोच यह है कि जिसका खून किया था आपने उसकी आंखें यहां हर वक्त आपको गुनहगार कहती रही। अब ये आंखें मुझे किसी काम से नहीं रोक सकेंगी।
हम सब तुमको नहीं मुक्ता को ढूंढ रहे हैं। तुम मौज करो, तुम मौज करो, तुम्हारी पास क्यों गोली अजीब है? अंग्रेजी से दूर रहो वरना गोली मार दूंगा। वो उस झाड़ में कुछ है, जो भी उसके पास जाता है गुम हो जाता है, उसी झाड़ में कुछ सिक्रम है। तुमसे क्या मतलब? जल्दी बताइए कहाँ मिलेंगे वो? हम तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम्हें बताएं कि तुम फिर उसके ट्रेन से दखल दो। नहीं बाबू, तो कुछ ना बताना, ये छोकरी बड़ी खतरनाक है। सुनो, मैं स्टेशन पे आता हूँ, समझे बाबू जी? ये सिगरेट के श्री राजी को स्टेशन पर देंगे। मैंने कहा ना कि श्रीनाथ का पता ना बताना। तो क्यों बताया? अब श्रीनाथ को कुछ हो जाए तो क्या करें? जान बचाने के लिए ही मेरी बेटी को उस कुत्ते उस पर बात यही बात माननी पड़ी। तू ही मेरी तमाम आफतों का कारण है। बारह बरस के बाद
कल सुबह जब मैं पहली बार सूरज के दर्शन करूंगा, उस समय मेरे दिल की हालत क्या होगी जानती हो बेटा? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप पिताजी को क्षमा कर दीजिए। तब तो बेटा जिस कैदखाने से मुझे लाई हो फिर वहीं बंद कर दो। तुम्हारी माता के खून के जुर्म में बेटा मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप पिताजी को क्षमा कर दीजिए। तब तो बेटा जिस कैदखाने से मुझे लाई हो फिर वहीं बंद कर दो। तुम्हारी माता के खून के जुर्म में मैं रायजी के लिए फांसी का तख्ता हूं। फांसी के तख्ते को मैं अभी जलाकर खाक कर दूंगा। नहीं पिताजी। हट जा। कम्मा भाग रहा था। पिताजी अब तू भाग नहीं सकता। मेरी हवेली में जलकर राख हो जाएगा। अपने पिताजी की मदद करो मुक्ता। आप जाइए मैं अम्मी देखूंगी। नहीं नहीं नहीं
पिताजी, तुम तो मेरी दुनिया को आग लगा कर चलती है, मगर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं वो अभागन हूँ जिसे प्रेम ने ठुकरा दिया। अब दुनिया में मुझे कहीं चैन नहीं आएगा। बच्चे को मुंह को क्या हो? पागल मत बनो, घर में बहू आ रही है। बहू वो देखो, मेरी बच्ची। माताजी माताजी, इन्हें भी आशीर्वाद दे दीजिए। इनकी भी माँ नहीं बाप है मगर गुंडा है। मेरे जैसा दामाद उसे जरूर ठीक कर देगा माताजी। हाँ गुंडा है ना? गुंडा माताजी का तो जरा तो ख्याल करो। बात माताजी, जरा कुछ समझाओ। कमान, माताजी माफ करना। कमान